ऐसा लॉजिकल बात बोलते हो, भोजपुरी का बॉलीवुड की बात शुरू करें। सर जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या रोल क्या निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव को, और आप मीडिया वालों का सबसे बड़ा आभार प्रकट करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आज भोजपुरी जगत में जो भी फिल्में बन रही है उसे आप लोगों ने इतना अच्छा प्रमोट किया है और आज इस शिखर तक पहुंचाया है कि भोजपुरी का भी एक अपना स्तंभ बन गया है। ये फिल्म बन रही है कुटुम्ब। ये फिल्म, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं संजय सिंह जी, इसमें हमारे हीरो हैं बाहुबली के हीरो प्रभास टाइप के हमारे प्रिंस सिंह राजपूत, मेरा छोटा भाई, बहुत ही डायनेमिक हीरो है, और मेरी बहन जैसी है रूपा सिंह, इसमें हीरोइन है, हरी सिंघानिया जी इसमें रोल कर रही हैं, और ये फिल्म बहुत जोरदार बन रही है। इस फिल्म में मैं मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहा हूं। तो खलनायक की भूमिका निकाल रहे, बहुत सारे ऐसे खलनायक हैं जो स्थापित हुए हैं बॉलीवुड में, तो किसी से प्रेरित हैं आप या जो आपका स्टाइल ऑफ खलनायकी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बहुत पहले जब शुरू में फिल्म लाइन में आया था तो मुझसे यही प्रश्न किया गया था कि आप खलनायकी क्यों करना चाहते हैं या फिर आप किससे प्रेरित हैं। देखिए क्या होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे नायक मुझसे नाराज ना हो, मेरी शक्ल हीरो जैसी है नहीं, मैं खलनायक जैसे दिखता हूँ, और खलनायक लोग कहते हैं कि पुरानी शराब की तरह, जैसे शराब होती है पीता तो हूँ नहीं, लेकिन कहते हैं कि शराब जितनी पुरानी हो उतना ही नशीला होता है, वैसे खलनायक जितना ही बुढ़ा हो उतना ही खूंखार हो, और नायक कुछ दिन के बाद में मजबूर होकर उसे, माफ़ी चाहूँगा, बाप दादा चाचा के रोल में आना पड़ता है, लेकिन हम लोग मरते दम तक खलनायक ही रहे। आज के दौर में ये भी देख रहे हैं, आप देखते होंगे 80-90 के दौर में खलनायक का काफ़ी वैल्यू था, अमरीश पुरी जी हों या और भी जो खलनायक, लेकिन आज के दौर में हीरो ही खलनायक बन रहे हैं, तो ये एक निगेटिव चीज़ है क्योंकि खलनायक का जो निभाना होता है किरदार वो कम हो रहा है अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में। क्या होता है जब जैसे एक सच्चाई और बुराई, अगर मैं ही सच्चाई भी करूँगा और मैं ही बुराई करूँगा तो उसे कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक प्रभु श्री राम है और एक रावण है। जब तक ये दो पहलू नहीं होंगे तब तक किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नायक को अपना नायक का काम करना चाहिए और खलनायक को खलनायक। अगर खलनायक को नायक बना दिए तो कहीं ना कहीं खलनायक जरूर चलती है। बॉलीवुड में बहुत से खलनायक बाद में नायक बने हैं और नायक की लंबी तारीफ। देखिए कलाकार चाहे वो नायक हो या खलनायक, कला कला होता है, कला कला वो जिस रोल को उसे दिया जाता है उसे बाखूबी निभा, और जो जिस करेक्टर को जिस किरदार को बाखूबी निभा ले वही कलाकार होता है, चाहे वो नायक हो चाहे खलनायक। नहीं मैं कभी नहीं ले जाता हूँ, मैं घर पे क्या, मैं सेट पे भी नहीं रखता हूँ। जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कैमरा मैन बोलते हैं, कैमरा रोलिंग एक्शन, मेरे अंदर सारे शैतान अंदर आ जाते हैं, क्या बात है, और एकदम उबड़ पड़ता हूँ, और फिर बाद में जैसे कट होता है फिर मैं वैसे सीधा साधा इंसान हूँ। इंग्लिश नहीं बोलना है राम, रूपा जी कैसी रही, कैसे सेलिब्रेट किया इस बार की दिवाली आपने? जी सबसे पहले तो मैं प्रिंस सिंह राजपूत और हमारे तरफ से हमारे पूरे भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी परिवार जो एक हमारा छोटा सा परिवार है, और समस्त हिंदुस्तान को दीपावली की और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि इस फिल्म की और कितने उत्साहित हैं फिल्म को लेकर? जी ये एक बहुत ही अच्छी
कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट सुना, वो संदीप जी हमारे जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है, एक बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है जो आज के दौर में बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और इस कहानी पर मैं वर्क कर रहा हूँ, और संजय जी ने हमको सलाइज समझा, बहुत ही अच्छा फिल्म है, बहुत ही सुंदर है। और ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट आ रहे हैं, काफ़ी अलग हट के फिल्म बनी भोजपुरी फिल्म, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक बदलाव आया है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। देखिए हमारे जो सुपर स्टार हैं, हम तो एक न्यू आर्टिस्ट हूँ, न्यू एक्टर हूँ, अभी शुरुआत किया हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही है, जैसे हमारे दिनेश जो है बॉर्डर लाए, खेसारी जी ने मेहंदी ला कर रखना, डमरू, कौन भी है ना, माँ तुझे सलाम, उसमें एक मेरा भी फिल्म आया था इंडियन, वो भी काफ़ी परिवार, तो काफ़ी बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है आज, जो है अच्छा हो रहा है सब। तो चार पांच ऐसे बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में जो काफ़ी समय से मतलब अकल से रखते राज कर रहे हैं, तो नवोदित कलाकार जैसे नए जो कलाकार होते हैं उनको कितना मुश्किल होता है अपने आप को स्थापित करना या ब्रेक मिलना एक फिल्म में, ये क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए जो सुपरस्टार हो या नोइंद, वो लोग भी इसी राह से गुजरे हैं जिस राह से हम लोग नए एक्टर गुजर रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, बस अपना काम अच्छा से करिए, एक हौसला रहना चाहिए, एक बुलंदी होना चाहिए कि हमको इस मुकाम पे जाना है, पाना है। तो वो लोग भी काफ़ी मुश्किल से हमारे स्टेज पे आए हैं, तो हम लोग उनसे सीखते हैं, जो हमारे जो सीनियर है, चल रहे अच्छा है, अगर अच्छा जो करेगा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। देखिए हम लोग सामने हैं जो हमारे दो चार नए एक्टर है, यश भाई है, चिंटू भाई है, मैं हुआ, विशाल जी हुए, गोलू जी हुए, देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं सब लोग। और आखिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में देखें, पहले खेसारी जी, फिर मनोज तिवारी जी, फिर पवन जी, सब पे अटैक हो रहा है, ये बहुत असुरक्षा का भावना ला रहा है इस कलाकारों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी गलत बात है और कितना सुरक्षा ज़रूरी है, और इस चीज़ से कोई असुरक्षा की भावना होती है आपको? देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत दुखद घटना है हमारे भोजपुरी के लिए कि जो हमारे स्टार हैं, जो पब्लिक ने ही स्टार बनाया है, लेकिन पब्लिक ने ऐसा नहीं किया, कुछ चंद जो होते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा माहौल खराब करना चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे ऑडियंस ऐसा नहीं कर सकती। आप कौन भैया की स्टेटमेंट देखिए कि हमारे ऑडियंस ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कि ऐसा कर, तो वही लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बहुत ही दुखद घटना है ऐसा स्टारों के साथ, क्योंकि वही पब्लिक हमारे स्टार बनाई है, वो पब्लिक हमारे स्टारों के साथ है, हम लोग के साथ ऐसा कभी हरगिज नहीं कर सकती है, जो किया है चंद लोगों ने किया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार बनाए हैं, ऐसा ना करिए, अगर ऐसा है तो सब अच्छा हो जाएगा। कोई बिहार जाने से क्यों डर है? बिहार के नहीं, पब्लिक ने ही तो सब लोग को स्टार बनाया है, इतनी प्यार, इतनी इज्जत, शोहरत जो भी मिला है, जो स्टार है, हम हो चाहे कोई भी है, तो बिहार के पब्लिक ने ही दिया है, तो जाने में कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री एकता है और एकता हमेशा रहेगी, और यूनिटी बन रही है, ऐसा कभी हरगिज नहीं होगा। रूपा जी से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, किस तरह किरदार है? और बहुत बड़ा नमस्कार सबको, हैप्पी दिवाली आपके साथ जी। जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं संजय सिंह जी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर है। जैसे कि फिल्म का नाम आप लोगों को पता होगा, कुटुंब, कुटुंब मतलब होता है परिवार, तो वहाँ पर कोई सच्ची बातें नहीं है, एक पारिवारिक फिल्म बन रही है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत अच्छा सोचे हैं हमारे संजय जी ने, जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, पारिवारिक फिल्म ला रहे हैं। उनका ये कहना है मैं फिल्म बनाऊंगा तो साफ सुथरी बनाऊंगा, वो चाहे ऑडियंस पसंद करे चाहे ना करे, मुझे बस ऐसी ही फिल्म बनानी है। और प्रिंस जी क्या कहते हैं, मतलब हैंडसम तो ही है, अभिनय भी अच्छा करते हैं, तो कुछ तारीफ में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे अपने का? तारीफ क्या करूँ, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग साथ में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग की फिल्म बहुत अच्छी है। रूपा जी अभी हाल ही में देखे होंगे कि ये जो मीटू कैंपेन है बहुत लोगों को असर किया है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह से ये कैंपेन एक नया बदलाव लाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नकाबपोश हुआ है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खासकर आर्टिस्टों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो ऐसा कर रहा है या करने की सोच रहा है वो थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा है, किसी का भी पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन भोजपुरी में देखा जाता है काफ़ी इस तरह का होता है कि महिला जो भोजपुरी आर्टिस्ट है वो आगे आकर नहीं आई, कि बॉलीवुड में आई लेकिन भोजपुरी में नहीं आई, ऐसा क्यों लगता है? नहीं नहीं आप कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी में ऐसा होता है? हाँ
नहीं तो फिर ऊपर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो भी अगर मुद्दा होता है तो हमारे कई सारी महिलाएं ऐसा थोड़ी है कि भोजपुरी में भी नहीं होता होगा, कई लोग आए नहीं ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्या होता है मैंने भोजपुरी में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये इतिहास है, ये चलते आया है और आजीवन चलते रहेगा। भावना बदल जाए ना तो सब कुछ अच्छा है। मैं तो कहूँगी सबसे कितनी सोच बदलिए तो सब कुछ अच्छा। सही बात है। ये फिल्म पारिवारिक बन गई है, जैसे एक्शन होगा परिवारिक एक्शन के लिए फिल्म जी जी, जब प्रिंस सिंह राजपूत है तो एक्शन का आदमी है, परिवारिक फिल्म लेकिन एक्शन दो चार ही है लेकिन बहुत जबरदस्त एक्शन है। क्या किरदार है? किरदार तो भैया अभी एक भोलापन भोला लड़का है, उसमें कैसे कैसे वो जाके सूर्या बनता है, यही सूर्या मेरा जो भूमिका है। मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत गर्व है, खुशी की बात नहीं है। जो संजय जी मैंने और मुझे इसके लिए कास्ट किया और कहानी को मुझे वर्क करने का मौका मिल रहा है और फिल्म में आपको मेरा जो किरदार है बिल्कुल अलग दिखने को मिलेगा कि जस्ट लाइक तमाशा। गाने मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि जो कहते हैं ना लोग बोलते हैं, बट आप लोग गाने सुनेंगे तो जरूर कहेंगे कि कुछ अलग बने हैं। बहुत इस पर टाइम दिया जा रहा है, भोजपुरी में सारे सिंगर बन रहे हैं, मिलेगा जी मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। नहीं नहीं मिल रियाज पहले करूँगी तब मैं गाऊंगी। कुछ भी जो आपको अच्छा लगा बारे में कि कैसे जुड़े हैं और क्या करना चाहेंगे, कितने फिल्म को लेकर इस फिल्म के बारे में क्या मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे भाई हैं प्रिंस भाई, अभी हम लोगों ने एक फिल्म किया था इंडियन साथ में, दो हीरो की कहानी थी जिसमें भाई पिक्चर का रिस्पॉन्स सबको पता था, अच्छा था, बिहार हम लोग परमिशन तो दिए थे। तो ये फिल्म देखिए जो है हमारे प्रिंस भाई है ना कि ऐसे हर फिल्म नहीं करते, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कई फिल्मों की बात होती है तो हर फिल्म नहीं करते, अगर फिल्म के लिए हाथ लिया है तो कुछ अलग बात है। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि साथ में पहले भी काम किया तो ये फिल्म कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कि कितना ज़्यादा बिजनेस करेगा या कितना सक्सेस होगा? देखिए हम और भाई ने दो फिल्में साथ में किया, एक पहले किए थे हमारे फल और अभी किए इंडियन, इंडियन। तो हमारा जो था इतना था, इंडियन इतना हुआ और आगे भी कर रहे हैं, इतना बोले और आगे भी कर रहे हैं हम लोग फिल्में। अभी हमारी फिल्म मतलब हम लोग करने वाले हैं साथ में आगाज। ओके, तो प्रिंस सर की क्या क्वालिटी आपको सबसे अच्छी लगती है, क्या क्या चीज़ है जो सबसे? एक बार बंदा दहाड़ दे कैमरे के सामने डायलॉग बोल दे तो सब कुछ मार देते हैं ऐसा डायलॉग। अभी इंडियन पिक्चर का एक डायलॉग था, भाई ने बोला तो आजू बाजू वाले जो आगे पीछे थे सब भाग के आगे, भाई क्या हो गया? अरे भाई शूटिंग चल रही है। अच्छा, बहुत मतलब कमाल के डायलॉग, मतलब जैसे भोजपुरी बहुबली लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ काम करते हैं और अच्छा करते हैं जो भी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू मैम। जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में किस तरह किरदार निभा रही हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या है ये पृष्ठभूमि फिल्म की? सभी भोजपुरी समाज को परी सिंघानिया का नमस्कार और आप सभी लोगों की दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा और छठ की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये फिल्म संजय जी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म का नाम है कुटुंब और उसमें हीरो हैं हमारे प्रिंस, और रियल में प्रिंस भी दिखते भी हैं और प्रिंस हैं भी,
तो प्रिंस इसमें हीरो है और इस फिल्म में मैं जो कैरेक्टर है मेरा, शायद मैं भाभी का कैरेक्टर कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि वन फिक्स रोल है मेरा। तो फिर देखिए फिल्म में धमाल ही धमाल है। तो आज के दौर में टेलीविजन पे काफ़ी सारे ऐसे आते हैं किरदार जो वैम्प शो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, तो कितना प्रभाव छोड़ेगा आपका किरदार ये फिल्म में? बहुत। मैं ये कह सकती हूँ कि जो रोल अगर मुझे ये ऑफर किया गया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 100% इसको कम्प्लीट करूँ और लोगों को पसंद आएगा। तो पहले के जमाने बिंदु जी कैसी कलाकार थी जिनका काफ़ी ज़्यादा था वैम्प शो में, आप किसी से प्रेरित हैं या किसी को कॉपी करती हैं या किसी से कुछ सीखने की कोशिश करती हैं? नहीं, मैं कॉपी नहीं करती। मैं जो कुछ भी करूँगी ओरिजिनल करूँगी और मुझे लगता है कि मेरा रोल आप सभी को पसंद आएगा। और ग्लैमर भाभी है। हाँ, ग्लैमर भी, ग्लैमर लुक भी होगा, वैम्प रोल लुक भी होगा और मैं कह सकती हूँ कि मतलब बहुत खूबसूरत सेक्स अपील आपको दिखेगा कि एक भाभी होती है ना चुलबुली सी भाभी, देवर के लिए, हस्बैंड के लिए वो वाइफ होती है, बहू होती है, सब मतलब सभी चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा आपको। और इसके अलावा प्रोजेक्ट कर रही हैं ये फिल्म के अलावा? हाँ जी, इसके अलावा भी मैं कई प्रोजेक्ट कर रही हूँ और वो सब आप लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे तो पता चल ही जाएगा। संजय सर, जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि क्या कहानी होगी इस फिल्म की और प्रिंस सर और रूपल मैम हैं फिल्म में और कौन कलाकार हैं जो फिल्म में नजर आएंगे? प्रिंस सर के बारे में कुछ बताइए कि आपने कास्ट किया है तो ऐसी कलाकार के तौर पर क्या कॉल? अभी आपको 10 मिनट पहले बताया है कि मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। अभी आपके किसी ने पूछा था कि लोग बोलने के लिए सब बोलते हैं कि हमारी फिल्म में अलग है, लेकिन मैं छोटी सी लाइन बोलूंगा कि अलग का मतलब अंदाजा लगाइए कि लोगों के पास कोई टाइटल नहीं है, सब फिल्मों की टाइटल की कॉपी करते हैं। मैंने पहली चीज की यही देखी कि मैंने टाइटल दी टोटली जो हमारा सब्जेक्ट है वैसी टाइटल, मैंने किसी की कॉपी नहीं की। आज की जो भोजपुरी फिल्म बन रही सब फिल्मों में दूसरी फिल्मों की कॉपी के गाने भी होते हैं, हमारे गाने में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सब्जेक्ट ऐसा कि जहाँ पर दुनिया बह रही है हम बिल्कुल उससे अलग हैं, दुनिया से बहुत बहुत मतलब बहुत ही दूर है। हमें रिस्पांस नेगेटिव भी सुनने मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि आज के दौर में जहाँ पे सब चरम सीमा पे चल रही है, जो वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप सुतरी फिल्म में क्यों बना रहे हैं? यही मेरा कल्चर है, हमें इसी में। आपने सवाल किया कि आपने प्रिंस जी को क्यों लिया, तो मैं आपको बताऊँ तो मैं प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ, तो प्रैक्टिकल में मैंने उठा करके सारे हीरो लोगों को देखा, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हीरो एक ही नज़र आया। और एक नहीं, हमने चार फिल्में कमिट की है, एक के बाद एक आएंगे, तो सोच करके मैंने बोला अगर हीरो मतलब जो हीरो होना चाहिए तो मैंने इनको उस बेस पर सेलेक्ट किया। मैंने कुछ भी नहीं देखा है, ना सुना, कुछ भी नहीं जाना। ऐसे तो काफ़ी बदलाव है भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल, मल्टीप्लेक्स में भी लग रहा है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारी फिल्में जो आती है फेल हो जाती है बॉक्स ऑफिस पे, और काफ़ी रिस्क फैक्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि पहली बात कि आप जो बोलते हो करते नहीं, आप बोलते भोजपुरी है और आप साउथ की कॉपी कर रहे हैं, बोलते भोजपुरी हिंदी की कॉपी कर रहे हैं, तो पहली बात की जो चीज़ बोलिए, अब हम कुटुंब बोल रहे हैं और हम दिखाए कुछ और तो कोई मतलब नहीं है, जो बोलते हैं उसको करिए, फिर उसके बाद में आप लाफ और हेट तो पब्लिक की अपने चॉइस है। लेकिन मैं जो मेरा जो मानना है ना कि आप वही चीज़ करिए जो आपको खुद को पसंद है। अगर आप अपनी बहन बेटी को अगर गंदी फिल्म में दिखाने से आपको तकलीफ है तो समाज की बहन बेटी, वो बहन बेटी किसी की नहीं है, तो उनके लिए आप सोचते हो उनके लिए कि नहीं, उनको थिएटर में आना चाहिए, और नंगे पकड़े कपड़े पहन के घूमे हो आपको चलता है, आपकी बेटी नंगे पर कपड़े पहन के घूमे तो आपको तकलीफ है। यहाँ पे मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा समाज कल्चर बोलता है कि रिश्ता जज्बा परिवार क्या होता है और उनके क्या ताने बाने हैं, ये कुटुंब जो है उसी पे बेस्ड है। तो शूटिंग शेड्यूल क्या होता है, कहाँ कहाँ शूटिंग करेंगे? मुंबई में है, अमेठी में कर रहे हैं हम लोग, शुक्ल बाजार करके जगह है, जाने मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर नहीं हो पाएंगे, देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो कब तक आने की उम्मीद होगी पढ़ते थे? मार्च अप्रैल में जाएगा, मार्च अप्रैल में पढ़ते हैं। देखिए हीट क्लब की जहाँ तक बात रही ना, तो हीट क्लब माने नहीं रखता है, माने रखता है कितनी अच्छी बनी है, और ये फिल्म आई है अमित जी की और आमिर खान जी की, चल सही नुकसान, हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि फ्लॉप हो गई, नहीं चल रही है, लेकिन कितनी बेहतरीन फिल्म है, जाके आप लोग देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनी, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। थैंक सर। सिमर जी, क्या समझेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह का गीत संगीत होगा और अपने मधुर आवाज़ से कैसे इस फिल्म को चार चांद लगाने वाली हैं? देखिए मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ और 13 तारीख को
संजय निरुपम जी का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। सुभाष पासी जी थे, हमें 12 साल से लगातार कर रहे हैं, ये भी ऑफिस से भी आए। उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने पूछा कि आप उनका प्रोग्राम करेंगी तो हम कैसे आएंगे, नाम नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने बोला कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हम सबका प्रोग्राम करेंगे, हम सबके मंच पर एक ही गाना गा लेंगे। और अभी संजोग से इंडियन न्यूज़ से फ़ोन आया अभिषेक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी हमें 7 साल से कवर कर रहे हैं और इस समय हमारे सामने हैं। मुझे उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, उनकी वजह से काफ़ी हम उन्होंने हमें शक्ति दी और हाईलाइट करते रहते हैं। और संजय जी का धन्यवाद। जी जी, तो संजय जी ने जब बोला कि मैं बहुत मतलब ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ऐसे उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे गाना याद आ रहा है, वो मैं गाना चाहूँगी। बड़ा प्यारा गीत है, मैं चाहूँगी इस तरह के गीत आए। मेरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे, असैया हो मेरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे। सासू रामायण जाने ससुर जाने गीता, आदेवरा तो माता जाने सैया जाने सीता। ओ लागेला सवन वहाँ जैसे हो, लागेला सवन वहाँ जैसे फगुनवा के हो री रे। असैया हमरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे, असैया हो मेरे चांद के टुकड़ा हम हई चकोरी रे। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के साफ सुथरे गीत आए। बहुत थोड़ा सा इधर सर, एक्चुअली कैसे गाने हैं, कितने गाने हैं और जो गाना गायक है गायिका उनका नाम बताइए। अरे नमस्कार करता हूँ, मैं गीतकार राजेश सारणपुरी और आप सभी को भी नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि गीत संगीत कैसा इसमें है, तो मैं यही बताऊंगा कि टाइटल आप सुनबे किए हैं कुटुंब, बहुत ही पुराना टाइटल है और हर एक आदमी के मन में यह टाइटल है, ठीक है, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया। और मुझे भी खास करके इसलिए लिखने का मौका मिल गया इसमें कि सभी फिल्म में लगभग कॉपी गाने ही हिट होते हैं, लेकिन संजय सर का कहना था कि मुझे ऐसा लिरिक्स राइटर चाहिए, चाहे ऐसा गाना चाहिए कि जो किसी से टैली नहीं करे, कॉपी नहीं करे, फ्रेश चाहे, ठीक है। तो हमने कोशिश किया और अपना चीज़ दिखाया सर को, उनको पसंद पड़ा और बहुत ही पुराना पुराना चीज़, मट्टी का चीज़ जो हम लोग का फोक धुन में जो गाया जाता है, उस टाइप का चीज़ हमने निकाल करके सर को दिया और उनको पसंद पड़ा। ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिरिक्स हुआ है, उसमें म्यूजिक भी सर किए हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है, किसी से कहीं कोई कंपेयर नहीं है, हम लोग अपना चीज़ बेस्ट बना रहे हैं बस। सर आपने लोग किस तरह संगीत है और क्या कहना है? देखिए इस पर तो एक तो बात है, थैंक्स टू संजय जी जो प्रोड्यूसर है, एक तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेप है कि मतलब जो भोजपुरी हम लोग जो समझते हैं फिल्म जो, तो ये बहुत उनका अच्छा स्टेप है कि फैमिली मिलके देख पाएंगे, सुन पाएंगे गाने, तो इसलिए मैं भी एक्सेप्ट किया इस फिल्म को। और इसमें रोमांटिक सॉन्ग है, एक बहुत अच्छा सैड सॉन्ग बटवारा सॉन्ग है जो कि बहुत ही दिल को छू जाए, और आइटम सॉन्ग एक ही है, सब लोग तीन चार रखते हैं, सर ने एक ही रखा और तो भी मतलब वो तमीज था। आइटम सॉन्ग भी है तो कोई अश्लीलता की तरफ नहीं ले जाएगा, इंजॉय सिर्फ होगा, माने लोग को ये समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अश्लील गाने भी सुन रहा हूँ। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मैंने अश्लीलता से कुछ अलग हट के किया है, बस यही है।
रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको स्क्रिप्ट किया, क्या फिल्म का सब्जेक्ट है इंस्पायर किया जा सकता, मतलब इतनी मिलाई उठा रहे हैं? सच बोलूँ तो इंस्पायर सिर्फ मुझे हमारे परिवेश, हमारे कल्चर ने किया है। और सोच तो काफ़ी दिनों से रहा था, लेकिन मतलब जो माहौल है उस माहौल में बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और अब लेट हुआ है, लेकिन मतलब मैं जिस रास्ते पे जाना चाहता हूँ उसी की ये पहली सीढ़ी है। और टाइटल बताएगी सब कुछ कि कुटुंब क्या है, ये सोच के स्टार्ट किया है। नहीं देखिए, मतलब मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया है, मैं पहली बात खुद को अगर संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। होता वही कि जो हमारे पास होता है मैं दूसरे को देता हूँ। जैसे देखिए अभी दो दिन पहले की घटना है, 10 दिन पहले खेसारी जी पे अटैक हुआ है, अभी पवन जी पे हुआ है। जो अप्रोच है, तरीका है, एक तरीका बहुत ही निंदनीय है। आपको किसी चीज़ का विरोध करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप हिंसक रूप धारण करें। ठीक वैसे ही जब मैं सब्जेक्ट अपना लेकर के आया हूँ तो हम भी विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन कैसा विरोध कर रहे हैं कि जो फिल्में चल रही हैं हमें वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं टोटल अलग लेके आ रहा हूँ। लोग इसका अच्छा भी समझ सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा कि मैं लोगों की तरह बोलना नहीं चाहता हमारी फिल्म अलग है अलग है। रिजल्ट बोलेगा कि अलग है या नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूँ तो मैं दूसरे के परिवार को देखने के लिए इंस्पायर कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ। हमारा मकसद सिर्फ है कि पारिवारिक फिल्में हमारी भोजपुरी में नहीं है, बहुत ही मतलब लिमिटेड है, तो थोड़ी वैसी फिल्में आनी चाहिए कि जो मतलब कि हमारे कल्चर को बर्बाद ना करें, हमारे कल्चर को बुराई ना दिखाए और अच्छी चीज़ें हो और साफ़ सुथरी। इसीलिए इसमें कुणाल सिंह है, प्रिंस सिंह राजपूत, रूपा, अपने उमेश जी, ये लोग जितने लोग भी हैं, पुष्पा जी हैं, तो जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये सबको जोड़ने का मकसद ये है कि जो उनकी पृष्ठभूमि में जो पिछला उनका रिकॉर्ड रहा है कि एक अच्छे सेट में लोग काम किए हैं, तो उसी को पूरा करने का प्रयास है। तो जी सर, कि आपकी सोच, जैसा आपने कहा कि धारीलाल जी के बारे में कि अटैक हुआ, बहुत निंदनीय चीज़ है, लेकिन उनका भी जिम्मेदारी होता है कलाकार के तौर पे, एक मतलब नहीं अच्छा हो तो क्या कहते हैं इस बारे में? एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी आजकल कलाकार, आपको ही पता है कि हमारे नॉर्थ के जो प्रोड्यूसर आते हैं ना, अब फिर वहाँ पे बुराई हो रही, लेकिन वो आते हैं तो समझते हैं कि हम पैसे खर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ भी दिखाएं कुछ भी चलता है। तो आर्टिस्ट तो भाई जैसा प्रोड्यूसर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना है, लेकिन इनको थोड़ा सा इन लोगों को विरोध करना चाहिए कि भाई इतनी वल्गरिटी या इस तरह की चीज़ें ना है। मैं आर्टिस्ट को कभी भी दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि वही आर्टिस्ट कभी कुली का भी काम करते हैं, वही आर्टिस्ट कहना है कि महाराजा का भी काम करते हैं, विलेन का भी काम करते हैं, तो आर्टिस्ट को मैं गुनाहगार नहीं बोलता हूँ। हाँ, जो गाने गा रहे हैं चाहे गा रहे हैं, अगर पब्लिक देख रही है उसका विरोध होना चाहिए, और लेकिन एक तरीका जो विरोध का है वो बहुत निंदनीय है। मैं उस इस तरह के विरोध का मैं बहुत क्या बोलते हैं निंदा करता हूँ। सपोर्ट मिले या न मिले, लेकिन परिवार से सपोर्ट मिलेगा, मुझे पता है। और जिस तरह का मैं ला रहा हूँ, हर परिवार, आप हकीकत में अगर जाएंगे, कितना बड़ा से बड़ा परिवार हो, वो अपने कल्चर और सभ्यता को ध्यान में रखता है। अगर वो नहीं रहता तो हम कपड़े नहीं पहनते। सबको मालूम है कि सब लोग अगर कपड़े निकाल दें एक सरीके के हैं, लेकिन कपड़े पहनते क्यों? और कपड़ों से ही अलग अलग लोगों की अपनी प्रेजेंटेशन है, पहचान होती है। तो आज अगर भले हो सकता है एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन जिस दिन थिएटर में जाएंगे तो बोलेंगे कि बेटा तुम भी जाकर के पिक्चर देखो, बहू तुम भी जाकर के देखो, बहन तुम भी देखो, भाई भाई को बोलेगा। आज नहीं बोल पाते हैं, मतलब नहीं बोल पाते, नहीं देख भी नहीं पाते। घर में अगर टीवी है तो भोजपुरी चैनल नहीं लगता, अगर अच्छे कल्चर फैमिली है तो नहीं देख पाती है। हिंदी फिल्म में आपके पास में ऑप्शन है, वहाँ पे सेंसर के टाइटल है कि एडल्ट है, आपको देखना है नहीं देखना है, यू सर्टिफिकेट क्या है, वहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस है, लेकिन भोजपुरी में चॉइस ही नहीं है। और भोजपुरी छोटी जगह नहीं है, भोजपुरी का बेल्ट बहुत बड़ा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी भोजपुरी के दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, बोलने वाले लोग हैं हिंदी भाषी। आज जैसे छठ माँ को देखिए, छठ की पूजा पहले बिहार से स्टार्ट हुई थी, आज पूरे हिंदुस्तान पे उसका वर्चस्व है, और सिर्फ देश की नहीं विदेशों में भी छठ पूजा हो रही है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि हम साफ़ सुथरी फिल्म बनाएं, आज नहीं कल हमको सबका सपोर्ट मिलेगा। डिजिटल मीडिया में वेब सीरीज का मीडियम हो गया नया, जिसमें कि वो सेंसर नहीं है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी चाहे कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है ना डायलॉग में ना सीन में, तो उसके क्या कहना चाहेंगे वो? नहीं, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया आज की बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही मतलब अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके, और अच्छा परफॉर्म कर रही है,
इवन लोगों को ऑप्शन मिल रहा है जो न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं सोशल मीडिया में सीधे काउंटर उसका मिलता है। कल तक आपके पास ऑप्शन नहीं होता था, जो दिखा दिया आपको देखना है और मानना है वही सही है। सोशल मीडिया इसका विरोध करती है, अच्छी है तो अच्छी बोलेगी, नहीं है तो नहीं बोलेगी। अच्छे बुरे फ्रीडम है तो फ्रीडम होना चाहिए हर आदमी को बोलने का, अच्छा है बुरा है। तो मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया और क्या नाम है कि जो डिजिटल मीडिया जितनी भी इस समय की एक्टिविटीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती भी जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। जी सबसे पहले आप तमाम समाज भोजपुरिया समाज के लोगों को नमस्कार आदाब। दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे दोस्त संजय सिंह की एक फिल्म का मुहूर्त हुआ जिस फिल्म का नाम है कुटुंब। कुटुंब जैसा आप सभी को पता है कुटुंब का मतलब एक परिवार होता है। हमारे भोजपुरी में कहल जाला जैसे समाज के कि हमार परिवार है हमार कुटुंब आ, ए हिसाब से चूँकि भोजपुरी फिल्म है तो थोड़ा मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। तो दोस्त ऐसा बा कि फिल्म जौन बा एक पारिवारिक फिल्म है और सबसे पहले हम संजय जी का धन्यवाद उनको इसलिए देना हम लोग चाहेंगे कि भोजपुरी को आज से करीब 10-15 साल पीछे लेके जा रहे हैं जो इस वक्त की भोजपुरी फिल्में आ रही हैं जिसमें बहुत सारी नाच गाने जो हैं वो ठीक है लेकिन थोड़ा उरियानियत है, थोड़ा वल्गरिटी है। तो इस हिसाब से ये फिल्म को इन्होंने एक पारिवारिक नाम दिया है और एक पारिवारिक फिल्म भी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को सारे लोग देखेंगे जैसे हम लोग पहले पुरानी फिल्में देखते थे। हमारे नज़ीर हुसैन की फिल्म थी बलम परदेसिया, क्या फिल्म थी। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो, क्या फिल्म थी। ऐसा नहीं है कि वो फिल्म चली नहीं, सुपर डुपर हिट अपने ज़माने की रही हैं और आजकल की फिल्मों की भी हम तारीफ़ करते हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, आज के हमारे जो भी नया कलाकार हैं, नए हीरो हैं, नए हीरोइन हैं, अच्छा करते हैं। बस थोड़ा सा समझदारी की ज़रूरत है क्योंकि हमारे समाज को भोजपुरिया समाज को थोड़ा आप चाहिए कि थोड़ा ऊपर लेके आए, वो चीज़ जो है ही नहीं हम क्यों दिखाते हैं। तो कुटुंब के माध्यम से कितना बदलाव आने की उम्मीद है? कुटुंब के माध्यम से शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत समझ लीजिए। और हमारे संजय जी ने इसको शुरुआत किया है और हमारे दोस्त ने ये भी हीरो हैं, ये इन्होंने इस फिल्म में काम हीरो की भूमिका कर रहे हैं, रानी हैं भूमिका हीरोइन हैं। सारे लोग इस फिल्म के जो भी कास्ट हैं वो बहुत अच्छा कास्ट किया है संजय जी ने और हम समझते हैं कि भोजपुरी फिल्म को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। और मुजीद इस फिल्म को देख के लोग इसे संजय साहब की शुरुआत को देख कर लोग और लोग आगे बढ़ेंगे और काफ़ी उन्नति होगी, काफ़ी बदलाव आएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। सर क्या करेंगे कुटुंब के बारे में, संजय सर ये जो फिल्म बना रहे हैं उनमें जो अलग सोच है कि फिल्म को काफ़ी साफ सुथरे ढंग से पेश करना है, एक मैसेज देना, क्या कहना है? पहले तो कुटुंब फिल्म के हम सब पात्र लोग के 9 वर्ष के ऊपर हम बधाई देतनी और शुभकामना बा कि आज के दौर में भोजपुरी समाज और पूर्वांचल के लोग जितना विश्व में देश विदेश में पूर्वांचल फिल्म के लेके अपन प्रख्यात नाम कमैले बा ओके लेके शुभकामना बा, मगर कुछ त्रुटि बा कि आज के दौर में लोग पैसा के पीछे कमाए के लोग अपना भोजपुरी के मान सम्मान जोन कल्चर के लोग नैतिक पतन कर दिला बा, लोग आर्थिक स्वभाव और अपन धन के लेके उनके जरूरत भी बा मुंबई में रहे के बा, लेकिन इतना ना अपना धन के पीछे और अपना कल्चर के पतन कर देवे के चाहिए कि ऊपर सोचे के हमने के पड़ता। पहले के पिक्चर रहे नदिया के पार जिसे भैया भी बतैनी है, गंगा किनारे मोरे गांव, हमार भौजी, तमाम तरह के फिल्म बा कि हमने के बचपन में पूरा परिवार एक साथ बैठ के हमने के खूब देखी जा। अभी भी लगातार वो फिल्म हमने के हिंदी फिल्म छोड़ के वही के अपना भोजपुरी के माटी के फिल्म जोन कलाकार बलो वो पिक्चर के हमने के देखा नहीं जा और खातिर ललायित रह नहीं जा। एक कार्यक्रम के जो शुभारम्भ कैले बानी कुटुंब एक पारिवारिक फिल्म बा भोजपुरी के संजय सिंह भैया हमने के आजमगढ़ के पूर्वांचल के एक सानो शौकत आ युवा प्रिंस
हमारे भोजपुरी रत्न भोजपुरी स्टार जरा बार बार हमने के बधाई देवे के बा अभी मिशन पाकिस्तान में भोजपुरी फिल्म के पहला ऐसा स्टार बनन जे जे डब्ल्यू मैरियट में इनकर फिल्म के पोस्टर लॉन्च हमने के कैले रहनी जा जे प्रदेश के इंडियन फिल्म के और प्रदेश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के वर्तमान और सोशल जस्टिस मिनिस्टर बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह तमाम लोग सांसद मंत्रीगण लोग भोजपुरी के ए हीरो के सम्मानित कैले बा आगे भी ये बहुत अच्छा काम करते रहन असली भोजपुरिया रत्न संजय भैया और प्रिंस बणन जे सराहनी काम के तरफ इन लोग कदम उठैले बा मीडिया से भी निवेदन बा मीडिया के मेन रोल होला भोजपुरी समाज के पूर्वांचल के लोग के ए कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध बा कि एक भोजपुरी के संस्कार के आगे बढ़ावे खातिर उरा लोग बढ़ चढ़ के योगदान की और अश्लीलता परोसे वाला कलाकार के भी बहिष्कार करी ये हमार निवेदन बा और ये कार्यक्रम और फिल्म के आगे भी हमने के प्रमोट कर लिए और भारत सरकार से ले के प्रदेश सरकार पूर्वांचल तक हमने के हम लोग के मान सम्मान बढ़ावे में हर तरह से सहयोग में हमने के कदर करते हैं। हम भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी प्रणा समिति के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऐसे चंद्रशेखर जी पूरा विश्व में मान सम्मान कमैले बनी अब पूर्वांचल पूरा विश्व में ट्रिनिडाद टोबैगो मॉरिशस फिजी गुआना सबके महामहिम से लेके हाई कमिश्नर से हमार मुलाकात होला उ लोग शुभकामना देवेला कि बबलू जी भोजपुरी के ऊपर काम करी आ अपना माटी के ऊपर काम करी। मॉरिशस के हाई कमिश्नर आदरणीय जगदीश्वर गोवर्धन जी भोजपुरी के माई के ऊपर वहाँ के माटी भोजपुरी के माटी माई के संज्ञा उपाधि दिले बानी जो बनारस में अभी विश्व भोजपुरी सम्मेलन होके जाता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सौजन्य से आदरणीय योगी जी के और भारत सरकार के सौजन्य से। बार बार हमार पुनरुरा लोग से मीडिया से आग्रह बा कि अश्लील परोसे वाला जे कलाकार बा लोग वो लोग के रोरा लोग बहिष्कार करी चैनल के माध्यम से कि अपन कल्चर के मुंबईया कल्चर में न ट्रांसफर करे लोग अश्लीलता पश्चिमी वातावरण में न परोसर लोग ए कार्यक्रम के मिशन के रोरा आगे बढ़ाक बा और नया कलाकार हीरोइन रानी चटर्जी जी चाहे और भी जे हमनी के पूर्वांचल के जब महाराष्ट्र और नॉर्थ साउथ के भी हर तरह से बात जो भोजपुरी भाषा नहीं के ओहू कलाकार के मेन बा हमनी के भोजपुरी में जो कार्यक्रम करे था फिल्म बनाओ था ओके सम्मानित करे खातिर हमनी के तैयार बनी जाए और संजय भैया के प्रिंस हीरो के और ए टीम के बधाई शुभकामना हमनी की तरफ से भोजपुरी समाज के लिए।